अर्थ और सहस्त्र प्रकार के यज्ञों के शुद्ध होने वाला तू सोम बोलने की प्रेरणा कर। अर्थ हे सोम, इन जनों द्वारा अनेक प्रकार से प्रार्थना करने पर उनके लिए प्रिय हुआ तू पवित्र होता हुआ जल में मिल जाओ। अर्थ शुद्ध हुए तेजस्वी प्रकाश से युक्त चारों ओर शब्द से करने वाली धारा से सोम रस गो दुग्ध के साथ मिलते हैं। अर्थ बलशाली सोम स्तोताओं के द्वारा प्रेरित होकर वीर जैसा नियमित रीति से यज्ञ में जाता है, वैसे वीर संग्राम में जाते हैं। जैसे वीर आनंद से संग्राम में जाते हैं, वैसा यह सोम आनंद से यज्ञ में जाता है। अर्थ हे सोम, ज्ञानी एवं सूर्य की भांति तेजस्वी होकर साथ रहकर द्युलोक में से दर्शन करने के लिए रस निकालो। सोम रस ज्ञान बढ़ाता है, सूर्य की भांति चमकता है, द्युलोक से प्रकाश देने की भांति तेजस्वी होता है। इति सप्तमाष्टके प्रथमोऽध्यायः। अथ सप्तमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः। पंचषष्टतम सूक्तम्। अर्थ कार्य करने में कुशल बहिने जैसी पति का अर्थात स्त्रियां जैसी अपने पति को उत्साहित करती हैं, उस प्रकार सामर्थ्यवान कार्य करने की इच्छा करने वाले ऋत्विज महान सोम को यज्ञ में प्रेरित करते हैं। अर्थ हे शुद्ध सोम तेजस्वी प्रकाशमय, ऐसा तू देव देवों के पास से सब धन लाकर यज्ञ स्थान में प्रविष्ट हो। अर्थ हे सोम, उत्तम स्तुति के साथ की हुई सोम रस की सेवा के एवं देवों से संरक्षण प्राप्त करने के लिए और अन्न के लिए तू अपना रस देव। सोम रस देवों को अर्पित करने से देवों की सेवा होती है, देवों से संरक्षण होता है और सोम रस से अन्न भी प्राप्त होता है। अर्थ हे सोम, तू निश्चय से बलशाली हो, अतः हम स्वकीय तेज से प्रकाशने वाले तुझे बुलाते हैं। अर्थ हे उत्तम शस्त्रास्त्र रखने वाले सोम, आनंदित होने वाली तू उत्तम पराक्रम करने का सामर्थ्य प्रदान कर। हे सोम, उत्तम रीति से आओ। अर्थ हे सोम, दोनों हाथों से शुद्ध होने वाला जब जलों के साथ मिलाया जाता है, तब तू पात्रों में अपना स्थान प्राप्त करता है। सोम दोनों हाथों से दबाकर शुद्ध किया जाता है तथा उस रस में जल मिलाया जाता है, तब वह सोम यज्ञ स्थान के पात्रों में रखा जाता है। अर्थ महान एवं सहस्रों प्रकार से देखने वाले व्यश्र ऋषि की भांति शुद्ध होने वाले सोम के गुणों का गायन करो। व्यश्र ऋषि ने जैसा साम गान किया था, उस समय इस सोम के मंत्रों का गायन करो। या ऋक तत्साम पदवद्ध काव्य गाया जाता है, व्यश्र ऋषि ने जैसा गायन किया था, उस रीति से तुम भी वेद शास्त्रों का गायन करो। अर्थ जिसका रस मीठा है तथा शत्रु का नाश करने वाला है, उस हरे वर्ण के सोम को पत्थरों से कूट कर रस निकालते हैं, वह सोम रस इंद्र को पीने के लिए दिया जाता है। सोम रस मीठा है, उस रस को पीकर वीर पुरुष शत्रु को नष्ट करने का अपना सामर्थ्य बढ़ाते हैं, अतः वह सोम रस इंद्र को पीने के लिए देते हैं, जिससे इंद्र शत्रुओं को नष्ट करने में सामर्थ्यवान होता है। अर्थ सब धनों को विजय से प्राप्त करने वाले उस तेरे इस मित्र भाव रखना चाहते हैं। सब धनों को विजय से प्राप्त करने वाले तेरे साथ हम मैत्री भाव से रहना चाहते हैं। अर्थ धारा से बलशाली होकर नीचे गिरो, मरुतों के साथ रहने वाले इंद्र को आनंद देने वाला हो तथा अपने बल से सबका धारण करने वाला हो। अर्थ हे सोम, द्युलोक एवं पृथ्वी का धारण करने वाले तथा सबका निरीक्षण करने वाले युद्धों में बलशाली उस तुझे मैं प्रेरित करता हूँ। सबको धारण करने वाले उत्तम निरीक्षक बलशाली वीर को मैं यज्ञ में कार्य करने की प्रेरणा करता हूँ। ऐसा वीर यज्ञ में आकर विराजे तथा यज्ञ का कार्य करे। अर्थ इन अंगुलियों से प्रेरित हुआ हरे वर्ण का सोम इस उत्तम धारा से पात्र में गिरे तथा युद्धों में मित्र इंद्र को जीने की प्रेरणा दे। उंगुलियों से दबाकर सोम से रस निकालें, उस रस को इंद्र को पीने के लिए दें तथा वह इंद्र सोम रस पीकर युद्ध में जाए और युद्ध में शत्रु के वीरों को नष्ट करे। अर्थ हे सोम, पूरे विश्व का दर्शन कराने वाला तू
बहुत अन्न हमारे लिए प्रदान कर। हे सोम, तू हमारा मार्गदर्शक है। अर्थ, हे सोम, अपने सामर्थ्य से रस की धाराओं के साथ कलशों की स्तुति की जाती है। इंद्र को पीने को देने के लिए इन कलशों में तू प्रविष्ट होकर रहो। यज्ञ में ऋत्विज लोग कलशों में रखे सोम रस की स्तुति करते हैं। वह सोम रस इंद्रादि देवों को पीने के लिए दिया जाता है। अर्थ, जिस तेरे तीक्ष्ण आनंद देने वाले रस को पत्थरों से कूट कर निकालते हैं, शत्रुओं का नाशक होकर निकाला जाए। अर्थ, यज्ञ के अंदर सोम राजा स्तुति मंत्रों से गाया जाता है। यह अंतरिक्ष से द्रोण कलश में जाने के समय गान होता है। अर्थ, हे सोम, सैकड़ों गांवों से युक्त गौओं के पोषण करने वाले, श्रेष्ठ घोड़ों को पास रखने वाले भाग्य को हमारे रक्षण के लिए हमें दो। हमारे पास सैकड़ों गौवे हों, श्रेष्ठ घोड़े हों और उत्तम गौवे उत्पन्न हों, ऐसा धन भी हमारे संरक्षण के लिए हमारे पास हो। अर्थ, हे सोम, देवों को पीने को देने के लिए रस निकाला तू, सामर्थ्य युक्त हो, हमारे लिए शक्ति बढ़ाओ तथा तेज से बढ़ने वाला रूप दो। अर्थ, हे सोम, तेजस्वी होकर शब्द करता हुआ पात्रों में निवास कर, जिस प्रकार शेन पक्षी अपने घर में आकर रहता है। अर्थ, इंद्र वायु वरुण मरुत एवं विष्णु को देने के लिए जल के साथ मिलकर सोमरस पात्रों में रखा जाता है। अर्थ, हे सोम, हमारे पुत्रों के लिए और हमारे लिए अन्न देकर सहस्त्र प्रकार का धन दे दो। अर्थ, ये जो सोम दूर के देश में हैं और जो सोम पास के प्रदेश में इंद्र को देने के लिए रस निकालने के लिए रखे हैं, जो इस सर्यणावत के प्रदेश में हैं, वे हमें अभिलषित फल देते हैं। अर्थ, जो आर्जीविकों के देशों में, जो कृत्व के देशों में और जो पत्स्य स्थान में तथा जो पंचजनों में सोम हैं, वे सोम यज्ञ के लिए जाते हैं। अर्थ, सोमदेव रस निकालने से हमें द्युलोक के स्थान से वृष्ट श्रेष्ठ पराक्रम करने का सामर्थ्य देवें। अर्थ, दिव्यत्व की शक्ति प्राप्त करने की कामना करने वाला हरे वर्ण का सोम जमदग्नि ऋषि द्वारा स्तुत किया गया यज्ञ में प्रेरित किया हुआ गौ के चर्म पर रहकर रस निकाला जाता है। सोम की स्तुति ऋषि करते हैं। गौ के चर्म पर रखे पात्रों में सोम का रस रखा रहता है तथा उसका प्रयोग यज्ञ में किया जाता है। अर्थ, स्वच्छ अन्न देने वाले जल के साथ मिलाए हुए न चलने वाले घोड़ों की भांति जलों में स्वच्छ किए जाते हैं। जिस प्रकार दौड़ने वाले घोड़े जलों में स्वच्छ करने के लिए धोए जाते हैं, उसी प्रकार ये सोम रस पानी में मिलाकर स्वच्छ किए जाते हैं। अर्थ, ऋत्विज लोग देवों को देने के लिए यज्ञों में उस तुझ सोम को प्रेरित करते हैं। वह प्रेरित हुआ तू इस प्रकार के प्रकाश के साथ रस निकाल कर दे। अर्थ, तेरे सुखदायक अनेकों द्वारा प्रशंसित संरक्षण करने वाले बल को हम स्वीकारते हैं। तुम्हारा बल धनादि ऐश्वर्य देने वाला है। अर्थ, आनंद देने वाले, श्रेष्ठ ज्ञान देने वाले, बुद्धि को बढ़ाने वाले, बहुतों द्वारा प्रशंसित तथा सुरक्षा करने वाले तुझे हम स्वीकार करते हैं। अर्थ, हे उत्तम रीति से यज्ञ करने वाले, तेरे से हम धन चाहते हैं, उत्तम ज्ञान चाहते हैं, पुत्र पौत्रादिकों को चाहते हैं, सब लोकों में प्रशंसित उत्तम सुरक्षा करके संरक्षण करने के सामर्थ्य को चाहते हैं। सत षष्टितम सुक्तम। अर्थ, हे सबका निरीक्षण करने वाले सोम, सब काव्यों के अनुसार जैसा मित्र मित्रों की स्तुति के योग्य होता है, वैसा तू हमारे स्तुति के काव्य सुनकर अपना श्रेष्ठ रस हमें दो। अर्थ, हे रस देने वाले सोम, जो तेरे दो स्थान यज्ञ में हैं, उन दोनों स्थानों से तू जगत में राजा मुख्य हुआ है, वे